मजदूरों से महज 3 मीटर दूर बचा उधर, जल्द आ सकती है खुशखबरी, पूजा पाठ भी जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। जी हां, दिवाली के दिन से उत्तरकाशी के निर्माण दिन सुरंग में कैद 41 श्रमिक बाहर निकलने की उम्मीद लगाए हैं। उन्हें बाहर निकालने की पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन हर बार कोई न कोई बाधा आने से सफलता नहीं मिल रही। रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 17वां दिन है। श्रमिकों की सलामती के लिए सुरंग के पास लोग पूजा पाठ भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मंगलवार को सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनल के प्रवेश द्वार पर स्थित बाबा भोगनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना कर सभी श्रमिकों के सकुशल बाहर निकलने की प्रार्थना की। रेस्क्यू टीम अब श्रमिकों से केवल 3 मीटर ही दूर है। कर्नल राहत एवं बचाव अभियान के प्रभारी कर्नल दीपक पाटिल ने जानकारी देते हुए बताया कि मैनुअल ड्रिलिंग 53.9 मीटर तक हो गई है, 57 मीटर पर बैक थ्रू होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दोबारा फोन कर सुरंग में फंसे श्रमिकों के राहत एवं बचाव कार्य के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा, अंदर फंसे श्रमिकों के साथ ही बाहर राहत बचाव कार्य में जुटे लोगों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाए। मजदूर सुरंग में करीब 60 मीटर की दूरी पर फंसे हैं। ओगर मशीन ने 48 मीटर तक ड्रिलिंग की थी, इसके बाद मशीन सुरंग में फंस गई थी, इसे काट कर बाहर निकाल लिया गया है। इसके बाद रेट माइनर्स ने मैनुअल खुदाई शुरू की। सोमवार से अब तक 4 से 5 मीटर तक खुदाई की जा चुकी है, ऐसे में अब 7 से 8 मीटर खुदाई ही बाकी मानी जा रही है। उधर मैनुअल हॉरिजेंटल ड्रिलिंग के लिए 2 प्राइवेट कंपनियों की 2 टीमों को लगाया गया है। एक टीम में 5 एक्सपर्ट है तो जबकि दूसरी टीम में 7 एक्सपर्ट है। इन 12 सदस्यों को कई टीमों में बांटा गया है। ये टीमें बचे हुए मलबे को बाहर निकालेंगे। इसके बाद 800 mm व्यास का पाइप डाला जाएगा। एनडीआरएफ की टीमें इसी के सहारे मजदूरों को बाहर निकालेंगी। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। रेस्क्यू टीमों ने मजदूरों के परिजनों से उनके कपड़े और बैग तैयार रखने को कहा है। मजदूरों को निकालने के बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना, एक बार फिर से लौटेंगे नई अपडेट के साथ।